संविधान का प्रारंभ ऐसे करेंगे कि यह संविधान आपका संपूर्ण संविधान हो और इसमें आप सभी चीजों को पढ़ लें। लेकिन सभी चीजों को पढ़ने के लिए संविधान तो वास्तव में जब लिखा गया था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखा गया था, इतना लंबा समय लगा था। तो पढ़ने में अगर मैं ये कहूँ 3 घंटा में तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति जैसा प्रतीत तो होता है। अतिशयोक्ति क्या होता है आप लोग जानते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये प्रयासरत करेंगे, हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो प्रॉपर हम नोट्स की तरह पढ़ना शुरू करेंगे और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वही आपको हम पढ़ाएंगे। उतना आप पढ़ लीजिएगा ताकि एक बार आप संविधान से परिचित हो जाइए, उसके बाद तो पढ़ने की तो पूरी उम्र पड़ी है, पहले तो आपको सिलेक्शन लेना है। शुरू करते हैं अपने पहले पेज से। तो पहला पेज है हमारे यहाँ संविधान कब से बनना शुरू हुआ। तो संविधान जो बनना प्रारंभ हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 से। छोटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किन किन को किस किस प्रकार का मंत्रालय मिला था, कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आगे आपको लिखवा दूंगा। अब और आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ संविधान जो लिखा जाना प्रारंभ हुआ था वो वास्तव में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, लेकिन वह बैठक संभव नहीं पाई। उसके 2 दिन बाद पुनः 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया, वो प्रारंभ से लेकर अंत तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और बाद में वह देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, मतलब देश के पहले राष्ट्रपति भी बने और 2 कार्यकाल तक इस पद का उन्होंने क्या किया, वहन किया। इस तरह से देखा जाए तो जो संविधान की सर्वोच्चता उन्हें प्राप्त थी वह तब तक प्राप्त थी, कब तक, संविधान लिखे जाने तक। लिखने के बाद भी जो गैपिंग था, गैपिंग क्या था वो भी हम लोग अभी देखेंगे कि 2 महीने का लगभग जो 60 दिन का गैपिंग था, उस गैपिंग दौरान भी वह रहे एक प्रमुखता के रूप में थे और संविधान लागू होने के बाद भी एक प्रमुख रूप से थे। तो भारतीय जो संविधान था वास्तव में अभी क्या उधार थाला कहा जाता है नहीं वो आगे नोट्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग मोटी मोटा ये पढ़ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखकर तैयार हुआ। कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, और यह 26 नवंबर 1949 को लिखकर पूरी तरह से तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख के पूरी तरह से तैयार हो गया था, किंतु इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया उसके आगे रीजन हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग की ये मैराथन क्लास है इसलिए इसमें ज़्यादा इस बात को चर्चा ना करके हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन प्रभावी हो गए, किंतु वास्तव में पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इसलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, ठीक, ये राष्ट्रीय पर्व में से भी एक है। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, लेकिन बाद में समयानुसार उसमें संशोधन किए गए और अनुसूची और अनुच्छेदों की संख्या लगातार बढ़ती गई और वर्तमान समय में 24 किसी किसी किताब में 25 भाग हैं तथा 450 लगभग अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन प्रश्न जब पूछता है तो मूल संविधान की व्यक्तित्व व्याख्या करके पूछता है कि मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान उसे कहा जाता है जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसे हम मूल संविधान की संज्ञा देते हैं या उसे ही हम मूल संविधान कहते हैं। आगे आते हैं संविधान के भाग, तो संविधान के भाग की चर्चा करते हैं। संविधान में बहुत सारे ऐसे भाग हैं लेकिन हमें उन्हीं भागों को पढ़ना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह नोट्स भी आपको मिल गया होगा पीडीएफ फाइल में, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे भी एक लिंक होगा, उस पर लिंक क्लिक करके गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने नोट्स पे आता हूँ। पहले भाग एक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया है। संघ उसका राज्य क्षेत्र, इसको भी आगे पढ़ेंगे, संघ क्या, उसका राज्य क्षेत्र क्या है। सीधी सी बात है, इसमें भारत के 28 राज्य, इस वर्तमान में 29 राज्य एवं 7 के साथ प्रदेश की व्याख्या की गई है, जिसमें पहले ही कहा गया अनुच्छेद 1 में ही कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही क्या है, भारत है। तो वर्तमान जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, उसका नाम क्या है, भारत है, ठीक। फिर आर्टिकल 2-3 इसका मतलब राज्यों से ही संबंधित है, वो आगे हम लोग अनुच्छेद में देख लेंगे इसे में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 दरअसल आजकल परीक्षा में खासकर जो छोटे एग्जाम होते हैं, बीएड एंट्रेंस आपका हो गया और आगामी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो गई या अन्य छोटी जो परीक्षाएं होती हैं वहां, यहां तक बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिए हैं, नागरिकता सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है, ठीक, अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक, ये नागरिकता
या सिटीजनशिप क्या है, माने आप इस देश में रहते हैं तो आप कहते हैं मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं भारतीय हूं, तो भारतीय होने की क्या क्या केसेज हैं, क्या क्या ऐसे रीजन है, क्या क्या कारण से आप भारतीय कहलाएंगे, एक भारतीय होने के नाते क्या क्या आपका कर्तव्य, किस लिए भारतीय कहे जाएंगे, ये सारी विडंबना, ये सारी कथा वस्तु अनुच्छेद 6 से लेकर 11 के बीच में लिखी गई, माने ये सारी पटकथा उसी के मध्य में लिखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है भाग 3, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला भाग है, इसे कहते हैं मूल अधिकार। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। याद है कि पीसीएस की जितनी परीक्षाओं का देखा जाए तो 4 से 5 बार पीसीएस में पूछ चुके हैं। तो भाग 3 क्या है? यह है, इसे कहते हैं भारत का, ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान का हृदय या धड़कन कहलाता है, तो भाग 3 है जो हृदय या धड़कन कहलाता है, इसे मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। पहले जब संविधान बना था उस समय इसमें 7 महत्वपूर्ण मूल अधिकार थे, किंतु कुछ समस्या होने के बाद वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, अब आता है नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। संविधान का नीति निर्देशक तत्व, इसमें राज्य को शक्ति दिया गया है, वो अपने नागरिकों को या अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, जो भी वो योजनाएं चला सकता है उनके लिए नियम कानून बना सकता है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या चीजें हैं। फिर आते हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य के बारे में एक बात बता दे, जो ये मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान में भाग 4 क के रूप में जोड़ा। प्रारंभ में कुल 10 मूल कर्तव्य थे, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद शिक्षा का जब अधिकार जोड़ा गया मूल अधिकार में, तब इसमें एक भाग और जोड़, एक पार्ट और जोड़ दिया गया, जिसकी संख्या कुल मूल कर्तव्य की 11 हो गई है। अब मूल कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 है संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका पूरा देखेंगे कैबिनेट, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, इन सभी को पढ़ेंगे। यह जो अनुच्छेद है यह है 52 से लेकर 151 तक, और इसके पहले जो था वो 36 से 51 तक था। क्या 36 से 51 तक नीति से तत्व था और 4 का केवल 51 का था। ठीक, बाद में फिर आते हैं राज्य की कार्यपालिका। तो जो राज्य की कार्यपालिका है वह 152 से लेकर 237 के बीच में। यह राज्य की कार्यपालिका माने राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद की विवेचना या वक्तव्य करता है। ठीक, और इसमें अभी देखेंगे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, सॉरी हाई कोर्ट के पढ़ने को मिल जाएंगे, तो चीज़ें भी आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट अलग अलग से है, क्योंकि अभी इसमें भाग पढ़ रहे हैं तो भाग में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, क्यों की गई अभी आगे हम लोग देखेंगे, और इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हीं को हमें पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का तो संविधान के मूल संविधान में तो इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन इसका बदला हुआ स्वरूप वर्तमान संविधान में तो था, किंतु उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए लगभग इसे 26 जनवरी की बात करें तो लगभग 43 वर्षों का लगभग समय लगा, और 1993 में जाके इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जब देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। और जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है ये बलवंत राय मेहता की देन है, जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए भारत में इसका जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया था वो राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर से। ठीक, लेकिन बाद में जब लगा कि वास्तव में इसे देश की जरूरत है, इसे कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, और कानूनी दर्जा जाते कब प्राप्त हुआ, 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। आगे आते हैं हम लोग, फिर आते हैं नगरपालिका। तो जिस समय नगरपालिका, देखिए अब हमने पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था, फिर हमने पढ़ लिया नगरपालिका, इनके भी समय भी पढ़ लेते हैं छोटा सा पहले, क्योंकि आगे हमें पढ़ना ही है, ये तब भी इंट्रोडक्शन करते हुए चलते हैं। भाग 9 में हमने पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो इसके साथ 2 चीज जोड़ी गई। एक तो जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह भी पूछा था हाल ही की परीक्षा में पूछा था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अनुसूची 11 भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिसे पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। फिर और आगे आते हैं तो फिर आएगा अनुसूची 12 नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका। ठीक, जो नगर पालिका है यह भी भाग 9 में है, अनुसूची 12 में है। ठीक,
अभी देखेंगे अनुच्छेद 243 से क से अड़ तक है क्या है, वो सब बात की बात है, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन कर रहे हैं केवल संविधान की मूल भाव को पढ़ रहे हैं, ताकि 3 घंटे में संपूर्ण संविधान आपका खत्म हो जाए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया भाग 10, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र। इसमें कुछ क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक, फिर आता है भाग 11। तो जो भाग 11 है वो संघ और राज्य के बीच संबंध। एक प्रश्न और आता है कि खासकर ये तो पीसीएस में बड़ा ट्रेंडी प्रश्न है, पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछते हैं, और जब पीसीएस में पूछ लेते हैं तो अन्य परीक्षाओं के लिए प्रश्न कॉमन बन जाते हैं। ये पूछा जाता है, अभी पीछे भी पूछा था, केंद्र और राज्यों का संबंध किससे? सहकारी आयोग। तो सहकारी आयोग जो था वह केंद्र और राज्य के संबंध की व्याख्या करता, पिछली बार पीसीएस में था और 2-3 बार से लगा था, और पीसीएस में पूछे कहां था, अन्य छोटे परीक्षाओं में चाहे लेखपाल हो चाहे वीडियो हो, वहां के ट्रेंड में बन जाता है ये। ठीक, फिर आते हैं, ये 245 से 263 के बीच में है संघ और राज्य का क्षेत्र। इसमें क्या है, बजट का भी प्रावधान थोड़ा बहुत किया गया, संघ का दायित्व कहाँ तक है, राज्य कहाँ से है, मतलब जो ये बताता है कि भारत एक मतलब संघवाद नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे सर, अभी पढ़ाएंगे संघवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, तो इसकी व्याख्या जो है, क्योंकि अभी जाएंगे तो मामला बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे आते हैं भाग 12, वित्त संपद्धति संविधाय एवं वाद, मुकदमा की बात करते हैं। ठीक, इससे कहने का मतलब ये वित्त से संबंधित है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग को पढ़ेंगे, चौथा वित्त आयोग चल रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं, ये ट्रेंड में रहते हैं। ठीक, और आगे आते हैं भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र में के भीतर व्यापक वाणिज्य और संघ, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने के क्या क्या कारण है, क्या हम सभी राज्यों में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के टैक्स किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ क्या क्या हमारे राइट्स हैं, इन सभी की व्याख्या भाग 13 करता है। भाग 14 में आते हैं, ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसे आप कहते हैं कि भैया UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें IAS IPS IFS, ठीक, अब तो बाद में जोड़ दिया गया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES। ठीक, फिर PCS में जाते हैं, PCS की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही प्रत्येक राज्य का अपना होता है, इसे हम कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी व्याख्या करता है कौन सा भाग, 14। ठीक, सिविल सेवा डे भी मनाया जाता है, आपको पता है ना 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे, ठीक, वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आगे आते हैं भाग 14 का, ये प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण का मतलब क्या है, भैया आप लोग अगर अधिकारी बनेंगे, अभी तो मान लिया आपकी सोच अभी और बढ़ेगी, जब ऑफिसर्स होंगे तो उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनकी व्याख्या की गई है। फिर अनुच्छेद 15 का में निर्वाचन, निर्वाचन क्या है अभी पढ़ेंगे, 324 से प्रारंभ है, 324 का क्या है, तो अभी अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी निर्वाचन की बात कर रहे हैं, और इस समय लोकसभा का चुनाव मतलब लोकतंत्र का जो ये पर्व है इस समय प्रारंभ है, लोकतंत्र का पर्व का मतलब होता है चुनाव, इसे हम कहते हैं संविधान की भाषा में लोकतंत्र का पर्व या लोकतंत्र का त्यौहार। इसमें पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग क्या काम क्या होता है, मतदान की आयु कितनी है, कितनी मतदान करने की आयु, पहले कितनी थी, फिर कब 18 की गई, क्यों की गई, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो मतदान कर सकता है कि नहीं, चुनाव लड़ सकता है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, 17 का IAS में पूछा था, पहले 14 में पूछा था समीक्षा अधिकारी में कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, फिर 17 के IAS में पूछ दिया, 17 नहीं पिछली बार 18 वाले में पूछा कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, दोनों के साथ करके पूछ दिया। तो ये अभी पर्व है, तो जब पर्व नजदीक होता है तो परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अभी से संविधान दर्जा नहीं प्राप्त है, भारत में भी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, अब भी तो सैया पे सोए हैं और आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक, जेल बंद है तब भी, लेकिन आपके ऊपर जैसे कुछ इसके नो मतलब की पॉइंट है कि आपके ऊपर सजा भुगत रहे हो, लेकिन आपके ऊपर सजा की जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, विचाराधीन होता है, कैदी होते हैं, अगर आप विचाराधीन कैदी हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब आपके ऊपर प्रूफ नहीं है कि आपने ये काम किया है, जब तक आपको कोर्ट द्वारा सजा नहीं दिया गया है आप विचाराधीन कैदी, तब चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा 6 साल के बाद। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC ST के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, बस इतने हम लोग को प्रमुख रूप से पढ़ना था। अब आते हैं पढ़ते हैं भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत की व्याख्या करते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीजें हम लोगों ने ली है, तो पहला लिया गया है मौलिक अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग क्योंकि एक लाइन में पूछते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप कहते हैं USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यायिक पुरालोकन, न्यायिक पुरालोकन क्या होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, पिछली बार BEd में था, ठीक, न्यायिक पुरालोकन, उसमें नोट बुकलेट नहीं मिलती BEd वालों को, ठीक, तो लेकिन जो परीक्षा दे के आते बताते हैं कि ये प्रश्न था,
क्योंकि जो आपको प्रश्न आता है वो आपको याद रहता है। फिर आते हैं संविधान की सर्वोच्चता की बात, कहाँ से ली गई है, यही प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान, उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका की संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, कहने का मतलब किससे, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है या जब संविधान की अवहेलना करता है या ऐसा प्रतीत होता है तो उसे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पारित करके उसे पद से उसकी पदच्युत किया जा सकता है, ठीक, ये कहाँ है, किसमें, अनुच्छेद 61 में है। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पदों का सृजन किया गया है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की न रहने पे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, जिस समय वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है उस समय वो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उपभोग करता है। दूसरी बात, जो उपराष्ट्रपति होता है इसे उपराष्ट्रपति रहने के कारण इसको कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, लेकिन यह उपराष्ट्रपति रहते हुए भी वह क्या करता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक प्रश्न और पूछता है कि भारत का पहला राज्यसभा का पदेन सभापति कौन था, तो हम आप नहीं बता पाते, तो क्या था, भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति थे वही राज्यसभा के पदेन सभापति थे। और एक प्रश्न और पूछता है, संसद का कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की अध्यक्षता करता है, तो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, क्योंकि वह होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, समझ में आ रहा आप लोग को, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि निर्माण प्रक्रिया, उसके जो उच्च न्यायालय है जिसे कहा जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ एक महाभियोग शब्द है, ये लगभग प्रयोग करने के लिए हम लोग प्रयोग कर देते हैं कि जज के ऊपर भी जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर भी उनको हटाने के लिए हम महाभियोग प्रक्रिया चलाते हैं, लेकिन संविधान के रूप से अगर उस शब्द का प्रयोग करें तो सिद्ध कदाचार शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हम महाभियोग कह सकते हैं। तो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से ली गई है। ठीक, और आगे आते हैं, ये था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसे हल्के में आप ना लीजिए, अगर आप कोई परीक्षा दिए होंगे भर्ती परीक्षा तो उसमें आप इस चीजों को देखा होगा या समझा होगा। अब आते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली, हमारे संसदात्मक शासन प्रणाली है और यह कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं एकल नागरिकता, हमारे देश में बस एकल नागरिकता है कि हम भारतीय हैं, हमारे निर्वाचन कार्ड बनता है तो भारत सरकार द्वारा, आधार कार्ड बनता है भारत सरकार प्राधिकरण द्वारा, माने हम एक ही, हमारी नागरिकता वो कौन सी है, भारतीय। और यदि हम इसके साथ कहीं अन्य किसी देश की नागरिकता को अगर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः हट जाएगी या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, लेकिन अपवाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, एक तो है भारत की नागरिकता दूसरी जम्मू कश्मीर की, लेकिन अन्य जितने भी 28 राज्य और 7 साथी प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वहां पे एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल माने हम भारतीय हैं बस और कुछ भी नहीं। फिर आते हैं एकल नागरिकता में विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक, और आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं आयरलैंड से। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। लेकिन जब प्रश्न पूछता है तो कहता आयरिश संविधान, आयरिश माने आयरलैंड, आयरलैंड ने कह के वो आयरिश शब्द का प्रयोग करता है, तो आयरिश माने यही होगा। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल जो है उसकी व्यवस्था कहाँ से, आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से किया गया है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला साहित्य विज्ञान या उत्कृष्ट अन्य किसी भी कार्यों में अच्छे प्रदर्शन के लिए हो जाता है। बाद में संशोधन किया गया, खेल को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो एक प्रश्न भी पिछली बार भी था जो बीएड एंट्रेंस दिए थे, उन्हें शायद याद होगा कि पिछली बार यहाँ से प्रश्न था और अन्य अभी इस साल जो परीक्षा आयोजित हुई वहाँ भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक,
ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, अब समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची अभी हम लोग पढ़ेंगे। भारत की जो अनुसूची है, सातवीं अनुसूची, वहाँ पे केंद्र राज्य के संबंध की भी व्याख्या की गई, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने विषय हैं उसमें राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, माने दोनों को मिलकर कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। फिर आगे आते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के भी कुछ पढ़ेंगे, कुछ विशेषाधिकार हैं, वो कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, ये था ऑस्ट्रेलिया द्वारा लिए गए संविधान से व्याख्या। ठीक, आप लोग भी सुनते चलिएगा, इसकी जो PDF है वो भी आप अपलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, अगर आप नहीं किए होंगे वहाँ सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलेनी बी दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, या फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश पर, वहाँ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं जर्मनी, तो जर्मनी से क्या है? जर्मनी से बस एक ही चीज लिया गया जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, माने जब हमारे देश में आपातकाल लगे हों उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार की जो शक्तियाँ संबंधित होती है वो उस पर अपना विचार प्रकट कर सकता है, उसके अधिकार को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, वो बाद लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि बाद में जब इसका प्रयोग इंदिरा गांधी जी ने किया था 25 जून 1975 को, उसके बाद जो परिणाम आए तो संविधान को संशोधन किया गया, कुछ इसमें नियम परिवर्तन किए गए, लेकिन आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना गहरे में आपको नहीं जाना है, लेकिन इतना जान लीजिएगा कि हाँ, राष्ट्रपति पहले तो बहुत काफ़ी अधिकार थे, उसे कम कर दिया गया, क्योंकि मूलाधिकार 19 जो था वो भी हनन कर दिया जाता था, लेकिन अब है आर्टिकल 21, अब उसको नहीं खत्म किया, बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उनको अभी हम लोग को पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि वनडे के लिए उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ठीक, अब आते हैं कनाडा की बात करते हैं, संसदात्मक विशेषताएं, ठीक, संसद की विशेषताएं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो केंद्र के पास है, जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या हम नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव सर पे है, लोकतंत्र का पर्व है, सामने है, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हम ना कह सकते, बस आप समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के जो प्रावधान है, जो प्रविष्टि है, वो किसके द्वारा है? हाँ, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल क्या होता है? जिस तरह देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत अपने कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक, और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी दे दिया जाए 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत ही अब विकल्प में चयन करेंगे, जबकि वैसे अगर केवल वो नहीं दिया 5 वर्ष दिया तो 5 वर्ष का ही विकल्प चयन करेंगे। राष्ट्रपति जो है मंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक, और वर्तमान आपके राष्ट्रपति जी इसके पहले क्या थे? राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? बिहार के। तो बिहार का राज्यपाल वर्तमान समय कौन है, यह आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वर्तमान बिहार राज्य का राज्यपाल कौन है? ठीक, और वह उसकी और राज्य के राज्यपाल भी हैं। आगे बढ़ते हम लोग, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अभी कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ बताया था, तो आप ऑस्ट्रेलिया वाला ये दोनों देख लीजिएगा, इसके लिए आप मेरी नोट्स एक बार डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ से आपको बताना नहीं पड़े बार बार। ठीक, और ऑनलाइन क्लासेज भी हमारे उपलब्ध है, यदि आपको जुड़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका के पास। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का मतलब क्या था? कहने का मतलब जो संविधान बनाया गया था उस समय स्थिति को देखते हुए जो संविधान बनाया गया था, तो एक बात और संविधान सभा द्वारा एक बात निकल कर आई थी कि संविधान तो बनाया जा रहा है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाए। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक आर्टिकल उठाया गया था, आर्टिकल जो संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 368, जिसे कहा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, और उसे जोड़ा गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक भैया, बहुत सारे नियम कानून होते हैं आपके घर के भी होंगे, ये समय के अनुसार क्या होता है? बदलना, जैसे बचपन में कहीं बाहर जाएंगे तो मार खा जाते हैं, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो पता चला हाँ 4 घंटे की कोचिंग है तो कोई नहीं बोलता। ठीक, तो पहले बचपन में 2 घंटे के लिए बाहर गए तो पिटा जाते हैं, और बाद में कोचिंग नाते कहीं भी घूम टाल लेते हैं, चलिए आज कोचिंग है चले जाते कहीं टाल घुमाते हैं। ठीक, तो संशोधन कर दिए, कहाँ से लिया गया है? अभी और बड़े हो जाएंगे तो और संशोधन आपके पास आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं रूस से। तो रूस से केवल मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर था, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था, इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री जब समय थी। ठीक,
दरअसल ये भी पूछा किसकी सिफारिश पर, इसे मैंने बता दिया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, प्रारंभ में 10 थे अभी 11 हो गए। अब जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अभी इसको पढ़ेंगे, काफ़ी विवादित रहा, काफ़ी कई वर्षों तक रहा, इसके लिए कई जजों की पैठ हुई, इसलिए इस व्याख्या हम नभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि गहराई में डूबेंगे संविधान का, दो वास्तव में तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन भी लग जाएंगे पढ़ाने में भी। आगे आते हैं भारतीय संविधान पर सबसे प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पढ़ा। देखिए अब ये थी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा कि इतने राज्यों से संविधान लिया गया, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय संविधान पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम लिख लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रावधान लिया गया। कहा जाता है कि लगभग 75% या उससे ज़्यादा हिस्सा सशब्द अथवा थोड़े परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिए गए, इसलिए कुछ संविधान विद भी या कुछ व्यक्ति भी कहते हैं भारतीय संविधान तो उधार का थैला है, लेकिन उनको कौन समझाए कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमें गर्व है कि हमें ऐसे संविधान मिले हैं। और इस गर्व की व्याख्या तब होती है जब भारतीय संविधान को अन्य देश के संविधान के कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक, हाँ, हर पक्ष के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खेड़ा और एक टेल, हमें वही दिखता है जो सामने होता है, एक पहलू हमेशा छुपा रहता है। तो भारतीय संविधान में बहुत सारे लोग अपवाद की व्याख्या करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भारतीय संविधान एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है अन्य देशों के लिए, जो वर्तमान समय में एक आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि बेहतर संविधान तभी कहा जा सकता है जब यह अन्य देशों के द्वारा स्थापित कमियों को निराकरण कर सके। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची, एक मिनट रुकिए तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची, अनुसूची की संख्या कितनी है। अच्छा, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी आप बताइएगा। तो हमने एक प्रश्न आपको दिया था और शायद आपने उसका जवाब नहीं बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे। अब आते हैं पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान जो था वास्तव में उसमें कुल प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियाँ ही थी, लेकिन फिर समय समय में परिवर्तन के बाद लगातार अनुसूचियाँ बढ़ती गई। सबसे मज़ेदार सवाल, और भारत की पहली संविधान संशोधन जो हुई थी उसी के दौरान पहली अनुसूची भी जोड़ दी गई थी, अनुसूची 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। 9 क्या था, 10 क्या था, 11 क्या था, 12, 11 12 तो बता ही दिए, 9 भी बता देंगे भूमि सुधार, फिर 10 भी बता देंगे दल बदल, क्योंकि भाई लोकतंत्र का पर्व प्रारंभ हो गया, आप देखते होंगे कि फला पार्टी के से उस पार्टी में चले गए, समाजवादी छोड़कर बसपा में, बसपा छोड़कर समाजवादी, समाजवादी से भाजपा, इस तरह से माकपा, भाजपा, कांग्रेस, ये सारा लगा हुआ है। ठीक, और यह दल बदल कहाँ है, 10, अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे 10 का, क्योंकि प्रारंभ से पढ़ते हैं ना, क्रम से। पहले पढ़ते हैं अनुसूची 1, प्रथम अनुसूची, मूल संविधान में 8 थे, वर्तमान में 12 हैं। तो अनुसूची 1 है, इसमें देखिए अनुसूची 1 को भाग 1 हो, अनुच्छेद 1 हो, उससे पहले लाइन लिखा रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। हो सकता है नोट्स में आपके 28 हो तो उसको 29 कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा, कि 2 जून 2014 को भारत के संविधान में 29वां राज्य का दर्जा तेलंगाना को प्राप्त हुआ, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ, जिसकी वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की भी वर्तमान राजधानी हैदराबाद ही है, जबकि हैदराबाद ही है ना, हाँ, जबकि अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। और 10 जिले हैं, सबकी व्याख्या तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग वन डे के लिए है ये, खासकर आप चाहे बीएड एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे लेखपाल, चाहे आप वीडियो, चाहे आप रेलवेंट एनटीपीसी, चाहे आप ग्रुप डी, तो उसके लिए वीडियो है, इसलिए इसे 11 में डूबना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब आते हैं अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 क्या है, इनमें विभिन्न जो अधिकारी हैं, ठीक, उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। जैसे देखिए कौन कौन भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख भारत की अनुसूची 2 में किया गया। माने जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते एवं पेंशन का जो उल्लेख किया गया है वह भारत के संविधान की अनुसूची 2 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, तो सीधी सी बात है, पहले देखो याद करने का तरीका बड़ा बढ़िया अनुसूची का, देखिए अनुसूची कैसे याद करते हैं। पहले अनुसूची 1 में क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, घर माने भारत, भारत माने 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। घर बनाते हैं कहाँ चाहिए, पैसा, पैसा कहाँ से आता है, उधार लेते हैं, उधार कहाँ से लेंगे, देखिए उधार माने पैसा, पैसा माने वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते का जिक्र किसमें है, अनुसूची 2 में। तीसरे में किसी से पैसा मांगने जाएंगे तो कहेगा नहीं दोगे, तब कहें कसम खाते हैं, कसम माने शपथ।
ठीक। तो अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया। शपथ क्या, जिसे प्रतिज्ञान भी कहते हैं, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया, जिसे प्रतिज्ञान भी कहते हैं, ठीक, जिसे कहते हैं कसम खाना। आप लोग विश्वास भी करते हैं कसम खाने पे, ठीक है, बहुत सारे लोग, जो भी हो, कोई विवाद उत्पन्न होता तो पहले कसम खाइए, ठीक ना, ऐसा होता है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया, इसकी कसम की, ठीक। ये कसम वाला मामला कहाँ है, अनुसूची 3 में। 1 में क्या था, राज्य का राज्य क्षेत्र, 2 में, 3 में, तो चौथे में देख लीजिए क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, चौथे में कहेंगे भैया घर में कमरा कितना कितना बनेगा। कमरा माने राज्यसभा के सीट का आवंटन किया गया है, इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया, माने राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका वितरण किया गया है, कमरा बांटा गया है, ठीक। जब कमरा बांट देंगे तो कहेंगे भैया कि इस कमरे में यह सोएंगे, इस कमरे में वो, माने अनुसूचित, अगर 5 की बात करते हैं, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक। अब आएंगे 6 में, अब इसमें 6 में कहेंगे भैया वो किचन है, किचन में कोई नहीं रहेगा, ठीक, इसमें कुछ लाख विशेष प्रावधान है कि किचन में केवल काम क्या होगा, किचन का काम होगा, पढ़ने वाले रूम में पढ़ने वाला सोने वाला काम नहीं करना है। तो इसमें अनुसूची 6 में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान या उल्लेख किया गया है। अब आते हैं 7 में, 7 में क्या भैया, 7 में घर और बन गया, तो घर बनने के बाद ही पापा कमरा, मम्मी कमरा, भैया कमरा, भाभी कमरा, सबका जो कमरा जब अलग है, कहने मतलब उनके शक्तियों का विभाजन। शक्ति माने इसमें 3 केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्याख्या की गई है। अब आगे आते हैं, संघ सूची क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर, विषय माने जो दिया गया है टॉपिक, उस पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, या केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर आते हैं संविधान लागू होते समय इसमें 57 विषय थे, अभी कितना है आप बताइएगा, वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं। और आगे आते हैं राज्य सूची, राज्य सूची में क्या है, या इस पे जितने विषय होते हैं इस पे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान समय में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे आते हैं समवर्ती सूची, यह ऐसा होता है इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक। इसमें इसके अंतर्गत 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय कुल कितने विषय हैं या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर राज्य में ये प्रभावी नहीं है, धारा 300 अनुच्छेद 370 की वजह से। अब क्या है समवर्ती सूची में, देखिए समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती, लेकिन यदि कभी कभी केंद्र और राज्य के कानून को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसमें केंद्र द्वारा लिया गया कानून या केंद्र के द्वारा गया बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। अब आगे आते हैं, ये भी आपका पेज लगभग खत्म हो गया, ठीक। अब आते हैं 8वीं सूची की बात करते हैं, 8वीं सूची की व्याख्या करते हैं। 8वीं सूची में क्या है, इसमें भारत के कुल राज्य भाषा 22 राज्य भाषा को सम्मिलित किया गया है, ठीक, कितने 22। इसमें से जब मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, समय समय पर जरूरत पड़ी भाषाओं को बढ़ाते गए, वर्तमान समय 22 कर लिए गए। 1967 में सिंधी जोड़ा गया, फिर 92 में कोकड़ी, मणिपुरी तथा नेपाली बने, ठीक। फिर 8वीं सूची में शामिल किया गया, फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया, फिर डोगरी, बोडो 8वीं सूची शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को इसमें उल्लेख मिलता है, किसमें, 8वीं अनुसूची में। फिर आते हैं 9वीं सूची, देखिए जो अभी तक जो मैंने बताया 8वीं सूची यह मूल संविधान का हिस्सा था, यह मूल संविधान जब बना था तब के जो प्रावधान थे उसकी व्याख्या की गई है। बाद में हम देखेंगे 7वीं सूची में कुछ संशोधन किया गया, बढ़ाए घटाए गए, 8वीं में भी बढ़ाए घटाए गए। अब आते हैं, लेकिन ये मूल संविधान का एक रूप था, अब जो है वह समय समय पर संविधान संशोधन के बाद संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था आप बताइएगा इसका जवाब, भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके आधार पर देखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 माने 50 में संविधान लागू हुआ, 51 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, इसके द्वारा राज्य के संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। ये सड़क बनती है, देखिए लंबा व्याख्या, इसमें नहीं जाएंगे, इतना जानते रहिए आप।
कि वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक, 284 अधिनियम है, किस समय, वर्तमान समय में, और इसे नौवीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा गया प्रथम संशोधन के द्वारा, माने 1951 में ही नवीन अनुसूची बनकर तैयार हो गई। अब आते हैं दसवीं अनुसूची, इसमें क्या कहा गया, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल के संबंधित कानून को जोड़ा गया। दल बदल क्या था, देखिए ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन वर्तमान समय में ये व्याख्या करने योग्य है, लेकिन समय कम होने की वजह से आप वनडे एग्जाम के की वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आप रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, वीडियो और वर्तमान समय में बीएड एंट्रेंस, इन सब के दृष्टिकोण से इसलिए इस पर तो हम नहीं घुसेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, हरियाणा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम, ठीक, तो उन्हीं के नाम पर दल बदल का प्रावधान किया गया, क्योंकि उनके नाम पे लोगों ने एक विचारधारा एक वायरल हो गई थी, जैसे होता ना कभी कुछ लोग की शब्द होते हैं वायरल होते हैं, आया राम गया राम, वो पार्टी इतनी तेज बदलते थे, तो पार्टी बदलने से, दल बदलने से क्या होती है, भारतीय बताएंगे कि चेतना में क्या प्रभाव पड़ता है, एक मतदाता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ हो ना राजस्व नुकसान होता है, चुनाव में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, मध्यावधि चुनाव, देश चुनाव भी होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, मध्यावधि चुनाव, चुनाव और एक मध्यावधि चुनाव होते हैं, एक चुनाव होते हैं और एक होता है उपचुनाव, तो चुनाव तीन प्रकार के होते हैं, तो भी इनके बारे में व्याख्या करेंगे, तीनों चुनाव में क्या क्या अंतर है, क्या किसी पता है, नहीं पता, चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा डर होता है दल बदल से मध्यावधि चुनाव की, सबसे ज़्यादा जो डर होता है सबसे ज़्यादा, और जब मध्यावधि चुनाव होंगे फिर उपचुनाव, उपचुनाव की समस्या बड़ा, लेकिन उपचुनाव की समस्या कम आती है, उपचुनाव के बताएंगे क्या कंडीशन होती है, उपचुनाव होते हैं, अरे अभी आपने अगर उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे, ठीक, और बताइए कहाँ कहाँ हुए थे। 12वीं सूची, अच्छा 11वीं सूची की बात करते हैं, 11वीं सूची क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ये जोड़ी गई, इससे पंचायती राज समस्याओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, कितने विषय, 29, आजकल यही पूछ लेता है, 29 विषय प्रदान किए गए, ठीक, 1993, और मैंने बताया भी दिया 24 अप्रैल को पूरे देश में मनाया जाता है पंचायती राज दिवस के रूप में। अब आते हैं अंतिम और 12वीं सूची, ये दोनों अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते हैं जो चारों हम लोगों ने पढ़ा, एक दल बदल, एक पंचायती राज व्यवस्था और एक नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन, 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए, ठीक, इसमें कुल 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक, नगर निगम में 18 विषय और 29 विषय किसमें है, पंचायती राज व्यवस्था में। एक प्रश्न और, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है। एक प्रश्न और आपसे है कि भारत में 29 राज्य हैं, तो किन किन राज्यों में बलवंत राय मेहता माने पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप लागू नहीं है, इससे कितने सोपान है, 3 सोपान, कौन सा ऐसा राज्य है जो 4 सोपान को लागू किया है, ठीक, आप बताइएगा, ठीक। इस प्रकार जो है हमारी आज अनुसूची भी खत्म हो गई, अब और आगे बढ़ते हैं, जो मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था लेकिन मैं अब पढ़ रहा हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, प्रारंभ में पढ़ते तो आपको बोरियत महसूस होती इसलिए उसको हमने क्या किया, स्किप करके और आगे कर दिया। अब पढ़ते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो वर्तमान भारत की प्रदेश ऐसी नहीं थी, कुछ क्षेत्रों को बाद में विलय किया गया, जोड़ा गया, किसके नाते जोड़ा गया, आप वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुना होगा, लौह पुरुष, अच्छा लौह पुरुष से याद आया। एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, अभी हाल ही में उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई किस राज्य में बनाई गई, ठीक, उसका नाम क्या रखा गया, वह किस, हाँ क्या नाम रखा गया, आप कमेंट बॉक्स में ये इसका भी जवाब दीजिएगा, और पंचायत और उस व्यक्ति के नाम पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक, तो वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर, ये सब चीजें, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं तो उसको 360 डिग्री पढ़ने का प्रयास करें। अब पढ़ते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय, पहले पढ़ते हैं रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय उन्हें दिया गया था, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर जबकि हैदराबाद को सैन्य बल के आधार पर विलय किया गया था, जूनागढ़ जनमत संग्रह, ठीक, जूनागढ़ की कहानी बताएंगे उनकी कितनी रानियां थी, अच्छा पहले एक आजकल तो जो भी बड़ा वायरल हुआ है शायद आप लोग को भी पहुंचा मिला होगा, ठीक, तो इसलिए जो कहने कोई समय नहीं है लेकिन इसलिए कर रहे ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाता रहे, क्योंकि लगभग 40 मिनट आपने वीडियोस देख लिया है और स्पीड भी हमारी तेज है, तो स्पीड तेज है इसे स्लो करने के लिए यूट्यूब ने आपको एक बटन दिया है, आप प्लेबैक में जाइएगा वहाँ स्पीड मेरी कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक, क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो स्पीड तेज रहेगी। फिर जम्मू कश्मीर रियासत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक, 26 अक्टूबर 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे क्या किया गया था, मिलाया गया था किसमें, भारत में, तो जूनागढ़ जन्म संग्रह और हैदराबाद सैन्य शक्ति सैन्य प्रदर्शन
जम्मू कश्मीर विलय पत्र हस्ताक्षर द्वारा, ठीक, ये तीन रियासतों को बाद में मिलाया गया। अब पढ़ते हैं संघ राज और उसका क्षेत्र भाग एक, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत आराम आराम से व्याख्या करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। इसमें है अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही क्या है, भारत है। जिसमें फिर राज्य उसके क्षेत्र के बारे में बात की गई है पहली अनुसूची में जो भी दी गई है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में अभिजीत किए गए अन्य राज्य भी, अच्छा भारत के जो अन्य राज्य को भी जीत के मिलाया गया है वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, ठीक। अनुच्छेद दो, अनुच्छेद दो तीन बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए है जो संविधान ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक, कभी मैं, लेकिन आज मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन ये मज़ेदार दोनों अनुच्छेद है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद दो, भारत की संसद, भारत संसद को विधि द्वारा ऐसे विवादों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना का प्रवचन की गई है, ठीक, नए राज्यों के प्रवचन की प्रावधान की गई जो भारतीय संसद को हो। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी काफी तामझाम है कि उसमें प्रधानमंत्री क्या रोल होता है, मंत्रिपरिषद का क्या रोल होता है, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, संसद की क्या रोल होती है, संसद इसमें क्या रूपरेखा होती है, लेकिन वास्तव में इसमें जो भूमिका होती है वो संसद की होती है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद तीन, नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। देखिए अनुच्छेद दो तीन में बहुत बड़ा अंतर है देखने को, लेकिन मैं एक लाइन में समझाना चाहूँगा। जैसे अगर मैं कह दूँ तेलंगाना किस अनुच्छेद के तहत टूटकर अलग हुआ, बताइए पीछे, कुछ लोग जिसमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले भी होंगे, हाँ तीन में क्या है, पुनर्गठन, ये शब्द मत कहिए क्योंकि आगे गड़बड़ हो जाएगा, राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन, नहीं उसमें भी अंतर हो जाएगा, देखिए संविधान है, जरा सा जुबान फिसली की उसका अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद दो क्या कहता है, जैसे गोवा लास्ट में आया, क्या भारत का हिस्सा नहीं था वो, जैसे सिक्किम 35वें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किस तरह आया, अभी कुछ मामला आया था तीन बीघा जमीन किस देश से संबंधित है ये भी बताइएगा। तो अनुच्छेद दो क्या है, ऐसा क्षेत्र जो भारत कभी रहा नहीं हो, फिर भारत किसी तरह वो विजिट करके अपने नए राज्य में मिला ली, जैसे सिक्किम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और एक दो और है, लेकिन सिक्किम जाने कहाँ से प्रश्न आते हैं क्योंकि यह संविधान के संशोधन जुड़ा हुआ है 35वें और 36वें, और 3 बीघा जमीन का संबंध भारत किस राज्य से, किस देश से, ये बताइएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं इसी में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फजल अली थे। अन्य सदस्य में हिदनाथ कुंजर, सरदार पविकर, कोई मतलब नहीं, केवल उनका अध्यक्ष पूछता है। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास की गई है, इसके अनुसार भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, पहले प्रारंभ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक। तो अगर हम ये पूछे 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो आप उसकी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या जो एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हैं वो बता सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नए राज्यों के गठन, राज्य में पहला जो था वह आंध्र प्रदेश था 1953 में, फिर महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 72, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 35वें 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 और तेलंगाना 2014। ये भारत की 29 राज्य की श्रृंखला हो गई, ठीक। आगे पढ़ते हैं, देखिए नागरिकता आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नागरिकता से प्रश्न नहीं आते, आप उठा के देख लीजिएगा। अब आते पढ़ते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया संविधान के, और मूल अधिकार को आत्मा हृदय करते हैं, मतलब कौन सा भाग संविधान की आत्मा हृदय कहलाती है, तो मूल अधिकार कहलाता है। और उसमें भी यह कह दिए कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद 32, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक। अब आते हैं, वैसे तो मूल अधिकार की व्याख्या अगर बात करें तो पहले समानता का अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसकी व्याख्या है, लेकिन उसमें से ही पढ़ते हैं हम लोग 12-13 क्या है, विधि और विधि क्या है, इस सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण है जो लोक सेवा आयोग या सब लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वनडे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
वनडे के लिए, आप समझ रहे हैं ना, वनडे एग्जाम के लिए इसे एसएससी कहते हैं, आप बैंक कहते हैं, रेलवे कहते हैं, और यहाँ तक कि आजकल वीडियो लेखपाल उनके लिए और लिखित परीक्षा के लिए। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक, इसमें भी बता, देखिए 15-16 कुछ तरह से एक ही जैसा प्रतीत होगा, कुछ अंतर भी है। जैसे लोक नियोजन में जैसे कोई महिला है, कोई पुरुष है, लिंग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों लोग अगर अध्यापक हैं तो क्या दोनों के वेतन अलग होंगे? ये अनुच्छेद किस में कहा है? 16 में। ठीक, ये अगर समान काम के लिए तरह समान वेतन, लेकिन ये एक अलग अनुच्छेद में है, लेकिन उसका सार यहाँ निकलता है। ठीक, समान काम करें तो वेतन समान मिलना चाहिए। ठीक, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कह सकता, ऊपर भी यह कहा गया है, लेकिन अभी बताएंगे आगे दोनों में क्या अंतर है। अब आते हैं 17, ये सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा 16, हाँ 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, भीमराव अंबेडकर ने पहले क्या था, छुआछूत था जो, वो उसको उन्होंने क्या इसका निषेध किया, ये अनुच्छेद 17 में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये मूल अधिकार की, अगर हम समानता अधिकार की बात करें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है। अब आते हैं उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत क्या था, जैसे पहले लोग, कुछ लोग उपाधि लेते, मैं राजा, राजकुमार, राजकुमारी, एक राजा कई रानियां, ऐसा होता था ना, तो रानियों के राजकुमार, अब तो एक रानी कई राजा होते हैं। पहले एक राजा कई रानियां होती थी, ठीक, तो फिर ये सारे थे ना, तो ये सारे उपाधियों को अंत कर दिया गया। अब वही उपाधि मिलेंगी जो भारत के संविधान में, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर दो तरह से, या तो आप फिलासफर, या आप पीएचडी करके आइए, डॉक्टरेट, या तो डॉक्टर बनिए, एमबीबीएस, एमडी। ठीक, तो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत रत्न उपाधि एक तरह से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, या सेना द्वारा संबंधित परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। यदि कोई अन्य देश भी आपको कोई उपाधि दे रहा है, तो यदि राष्ट्रपति स्वीकृत लेना पड़ता है, याद रखिएगा, इसे आपको नोबेल पुरस्कार मिल गया तो राष्ट्रपति स्वीकृत मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जाकर नोबेल ले लेंगे, पकड़ लेंगे अपने हाथ से। ठीक, जो भी पुरस्कार, जो भी उपाधियाँ दी जाएगी, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, उपाधियाँ संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, ये अनुच्छेद 18 के तहत। अपने से कोई नहीं, मैं भड़ाना, मैं ढिंका, ऐसा कुछ नहीं, अपने से कोई नहीं कि मैं यहाँ का राजा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये सारे जो संविधान द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, सबसे बड़ा अनुच्छेद है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से 22 क्या, स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, स्वतंत्रता जरूरी है किसी भी देश के, राज्य के विकास के लिए। देखिए, संविधान में जो राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे हम, वो देश के लिए होता है। ठीक, क्योंकि आप संविधान, अगर प्योर संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ देश शब्द ना कहकर राज्य शब्द की व्याख्या बार बार की जाती है। जैसे अगर बीकॉम वगैरह होते हैं तो उनके भी सब्जेक्ट को जैसे जैसे लैंग्वेज होते हैं, उनके लैंग्वेज बीकॉम वाला ही समझते हैं। अन्य में ले जाएंगे तो उसका अर्थ, जैसे सेल साइंस वाले अलग समझेंगे, फिजिक्स वाले अलग समझेंगे, बीकॉम वाले अलग समझेंगे, सेल माने बेचना, इकोनॉमिक्स वाले अलग समझेंगे, सेल माने कोशिका, सेल माने बैटरी। ठीक, और मोबाइल वाला समझेगा, सलमानी मोबाइल। ठीक, तो अलग अलग इसकी व्याख्या, तो कहाँ किस देश कौन से आप सोचते हैं। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार में तहत इसमें 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 19A, बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। माने प्रेस पहले क्या था, पहले तो ये मीडिया तो थी नहीं, तो पहले प्रिंट मीडिया थी, मतलब अखबार लिखाता था, तो वो क्या है, अखबार पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लिख सके, ये किस में है, अनुच्छेद 19A में, 19 में, जिसे कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, फिर 19 कभी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित के कभी सभा कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कभी सभा करना, सभा कर सकते हैं कहीं भी, चार लोग को एकत्रित कर, लेकिन बिना हथियार के, ये हथियार लेकर सभा करें तो भाई ये सही घोषित हो जाएंगे। ठीक, 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब संघ बना सकते हैं, लेकिन उसमें स्टाल लगा के सरते हैं। जैसे पुलिस का संघ नहीं बना जा सकता, आर्मी का संघ नहीं बना सकता, अध्यापक का बनाया जा सकता है, बैंक का बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे ब्रिटिश संघ प्रशिक्षण मोर्चा 2015 है, डीएलएड का है, डीएलएड जो कर रहे हैं 17-18 सबका है संघ, बैंकों का है, अधिकारियों का, लेकिन पुलिस का नहीं हो सकता, आर्मी का नहीं हो सकता संघ, उसके लिए भी आगे देखेंगे स्टाल लगा के सरते हैं, वो 35 में पढ़ेंगे हम लोग। फिर 19D, देश के किसी क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते, ऐसा नहीं है कि आप असम में नहीं घूम सकते, कहीं जा, गोवा जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं, असम जा सकते हैं, मणिपुर, नागालैंड, कहीं भी घूम सकते हैं आप। ठीक,
राज्यों का नाम लेते तो मुस्कुराया ना करिए आप लोग, क्योंकि ये राज्य है घूमने, क्योंकि घूमने वाले प्लेस हैं। अभी थोड़ी कह सकते हैं कि आप घूमने जाएंगे कहाँ, जहाँ घूमने से आपको अन्य राज्य मोहत का, तो उत्तर प्रदेश का नाम लेता है किस लिए, ताजमहल देखने के लिए। ठीक, जो जो टूरिज्म प्लेस है वहीं ना घूमने जाएंगे आप, उड़ीसा जाएंगे, मतलब हर राज्य में कुछ ना कुछ विशेषता है। ठीक, जहाँ घूमने के लिए मतलब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कोई ये नहीं पूछेगा आप यहाँ कहाँ क्यों, इस राज्य में एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहाँ अनुच्छेद 19 ई में दिया गया है। हाँ, लेकिन अपवाद है जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत अन्य किसी 2800 राज्य में घूम सकते हैं अबाध रूप से, स्वतंत्र रूप से, 7 केंद्रशासित प्रदेशों में, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद स्टार लगा के शर्तें लागू हैं। ठीक, अब आते हैं 19 एफ, संपत्ति का अधिकार, जो पहले संविधान में था लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे उठाकर कहाँ फेंक दिया गया, अनुच्छेद 300 कम में रख दिया गया, यहाँ से इसे हटा दिया गया। ठीक, अब आते हैं 19G। 19G क्या है, कोई भी व्यापार जीविका चलाने की क्षमता, भैया आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं जीविका चलाने के लिए। ठीक, इसमें कोई भी व्यापार कर सकते हैं जीविका चलाने के लिए, जो को उपार्जन के लिए आप कोई भी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ये काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके लंबे टॉपिक में बात करना उचित नहीं है। फिर आते हैं अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, माने किसी व्यक्ति को जीवन जीने की पूरी रूप से स्वतंत्रता है। ठीक, जैसे अगर आपको रात में सोने ना दिया जाए तो क्या आपके मूलाधिकार का हनन है, किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 21 का। हाँ, किसी व्यक्ति को सोने नहीं दिया, जैसे अगर आप सो रहे हैं रात को बगल अपने घर में डीजे बजा दिए तो आपके मूलाधिकार का हनन किए। इसलिए जब कहीं डीजे लगा होता है तो लिखा होता है माननीय हाई कोर्ट के नियमानुसार 11 बजे के बाद डीजे बंद कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो खुल के बजाते हैं ब्याह शादी में, लेकिन बड़े राज्य में जाइए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बंद कमरे में बजाइए आप, वहाँ ऐसे रोड पर चलाते बजाते हुए ना चलिए। हाँ, वैन इसीलिए ताकि पूरी नींद लेने की सुनता है। और सुनिए, अगर आप पर्यावरण प्रदूषित कर दे रहे, जैसे अगर आप बैठे हैं अब बगल में कोई सिगरेट पी रहा है तो आप सिगरेट नहीं पिए लेकिन महक तो गया, वो भी तो धुएं अंदर ले जाता है। इसलिए कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, बहुत सारे से बंद है। और यहाँ तक कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता नहीं निजता, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार इसे बाद में जोड़ा गया, माने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर अनुच्छेद में को कई में जोड़ा, जो समय अनुसार जो चीज़ें जरूरी लगी। यहाँ तक कि शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का भी शिक्षा का मूल अधिकार इसी में जोड़ा गया है। ठीक, और आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फिर पानी पी लेते हैं उसके बाद। अच्छा, आप ये बताइएगा कि निजता का अधिकार किस संविधान संशोधन के, अच्छा जाने दीजिए, तो मान लो 25 जुलाई की घटना है, तो राइट टू प्राइवेसी क्या है यह बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक पानी पी लेते हैं। तो आपने नहीं बताया राइट टू प्राइवेसी क्या है, चलिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बंद कमरे में कर सकते हैं, खुले जगह पे नहीं, वही आता है राइट टू प्राइवेसी, वो भी आता है। ठीक, तो इस लोग कई जगह से ना जोड़िएगा आप लोग। अब आते हैं कुछ अनुच्छेद 21 का पढ़ते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। ठीक, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बंद करेगा, जैसे RTE पढ़ेंगे आप लोग। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का को जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार देता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यह निवारक निरोध अधिनियम 1950 में है, इसमें 5 रिट है, इसके बारे में कभी आगे व्याख्या करेंगे, फिर रिट की बात आगे अनुच्छेद 32 में करेंगे, तो यही है। फिर अब जैसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1951 है, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम 1974 है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 है, फिर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून, जिसे टाडा कहते हैं, मूवी वूवी में आपने देखा होगा, सबसे अधिक कठोर कानून है भारत का ये। ठीक, अब आ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देखिए 24 पढ़ लेते हैं, 23 से 24 में क्या, देखिए जिसे आप लोग कहते हैं बाल श्रम का नाम सुना होगा, बालाश्रम जिसे कहते हैं, मानव का दुर्व्यापार, मानव व्यापार हो जानते कि नहीं आप लोग, हाँ बेच देते हैं, तो बालाश्रम भी होता है, मानव का व्यापार में होता है, दोनों महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, महिलाओं को बेचा उछा जाता है, पता कि नहीं आप लोग को, हाँ हाँ पता है ना, उससे प्रतिबंधित किया गया है ये। ठीक, 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम बालकों के लिए कोई भी इस तरह से काम आप नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके मूलाधिकार का हनन होता है। ठीक, और कोई कारखाने में काम नहीं करवा सकते, 24 का में कहा गया है। ठीक, अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पे, अब हम लोग देख लेते हैं 26, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों से संबंध में स्वतंत्रता है, अनुच्छेद धार्मिक कार्य स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27 में क्या है,
1728 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया, मुद्दे बातें हैं। फिर सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, यह अनुच्छेद 29 में दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे छठा और अंतिम अधिकार है। इसी के बाद हमें लगता है आज बंद कर देंगे, इसके बाद पार्ट टू लाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 5 रिट होते हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको व्याख्या नहीं करेंगे, बस आपको समझा रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध, उत्प्रेक्षक और अधिकार प्रेक्षा ले, ये महत्वपूर्ण है ये 5 रिट। यह आपके पास अनुच्छेद 200 यहाँ पे है, क्या नाम है आपके 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी करने का, और 226 के तहत हाई कोर्ट के पास है। तो ये रिट है, इस रिट की व्याख्या करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए इतना ही, ये मूल अधिकार का पोर्शन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, ठीक। एक प्रश्न और, भारत किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय कहते हैं, यदि अगर ये सब भी नहीं दिया है तो एक लेखपाल ने प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान की आत्मा हृदय किसे कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य क्या। तो 3 प्रश्न है, तीनों में अंतर आप समझ लीजिएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद का है, अनुच्छेद 32 भाग मूल अधिकार, यदि ये भी नहीं दिया है, प्रस्तावना दिया है, तो ऑप्शन प्रस्तावना ही लगाइएगा, इसे उद्देश्य का कहते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद क्योंकि समय ज्यादा भी हो गया है आपके लिए, लंबा वीडियो हो गया है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, और उस दिन उठाएंगे संपूर्ण संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम कह सकते हैं कि ये मैराथन क्लास थी आपकी, क्योंकि मैं तेज गति से पढ़ा था, तेज गति संविधान को खत्म भी कर रहा था। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आपका, तो मोस्ट वेलकम है, 6306344367 पर, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, और इसकी पीडीएफ फाइल जो मैं पढ़ा रहा था, ये अब डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश, बिना स्पेस दिए, जैसे ही दुर्गेश इंस्टॉल करेंगे सर्च करेंगे आ जाएगा इलर्निंग विद दुर्गेश, ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी इलर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और लोगों तक पहुँचाइएगा, और प्रयास करिएगा खुद भी जुड़िएगा और लोगों को जुड़िएगा। अच्छा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हैं, और संविधान की अगली जो कक्षा लगाएंगे, प्रयास करेंगे उस दिन संविधान संपूर्ण खत्म कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लगातार देखते रहे, इसके लिए जय हिंद, जय भारत।